शरीर भले कैसा भी हो लेकिन है आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। वट एवर माइट बी द कंडीशन ऑफ द बॉडी बट द सोल शुड बी पावरफुल। शरीर लुन्यम पुन्यम हो, बीमारियों से भले भरा पूरा हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए कभी मना नहीं करना है। द बॉडी मे बी फीबल, इट मे बी फुल ऑफ डिजीज, बट यू मस्ट नेवर डिनाई फॉर गॉडली, दैट इज ईश्वरीय, दैट इज ऑफ गॉड सर्विस। फुदकते रहना, यू मस्ट कीप जंपिंग फॉर इट। और बोला भी है ब्रह्म वाक्य मुरली में, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जावेंगे। एंड इट हैज ऑल्सो बीन सेड इन द सेंटेंसेस ऑफ ब्रह्मा द मुरली, ओल्ड मदर्स विल ग्रो आउट विंग्स ऑफ गॉडली सर्विस। जब बूढ़ी माताओं को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जावेंगे तो बूढ़े पिताओं को नहीं लगेंगे क्या? When old mothers grow out wings of godly service, won't old fathers grow them? है? नहीं लगेंगे? Won't they? लगने चाहिए ना? They should, shouldn't they? तो बता दिया, सीमत हमारी लाठी है जिसे मुरली कहा जाता है। So it has been said that Srimati is our walking stick, which is called Murli. यहाँ जीवन में जितना मुरली के अनुसार चलेंगे चलाएंगे, वहां हम अपनी राजाई में भी जन्म जन्मांतर किस अनुसार चलेंगे? है? The extent to which we act according to Murli and enable others to act accordingly here, how will we rule in our kingship there for many births? है? संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है, उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे। The Srimad that we have imbibed in our soul in the confluence age, we will rule according to it. और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। And we will also rule our subjects in the same way. इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। This is why it was said, there is true liberation through Srimad. यहाँ संगम में सदगति है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। True liberation here in the confluence age is the true liberation of the mind and the intellect-like soul.